अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी भाई, क्या हाल है? ठीक हो जी? ठीक ठाक जी भाई। गायें किस तरह रखी हुई हैं? कितना कितना दूध देनी है? ये देनी है पीने भाई 20 किलो दूध। अच्छा, दो टाइम आज एक गाँव जी अपर लिए एक गाँव। अच्छा माशाल्लाह, चलो जी दिखाने हैं। तो के कितना ने किलो दूध सेल करने हो? इधर इस टाइम ते 60 रुपए जांडे दूध ही लेके। अच्छा, तो के कोई ना खिलाने चीज सेलिंग वंडा? वंडा ही खिलाने। वंडा केड़ा? वंडा के भी। अच्छा, के भी जी। उसने कोई अच्छा रिजल्ट है? जी अच्छा है। अच्छा चलो जी, मेहरबानी जी। दोस्तों देखें, ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत गायें हैं और भाई बहुत इनके साथ मेहनत कर रहा है। देखें माशाल्लाह, ये तीनों गाय जो खड़ी हैं बहुत ही अच्छी हैं। भाई बता रहा है दूध में इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। आइए आपको ये दूसरी मैं गाय दिखाता हूँ, ये साथ खड़ी हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी नस्ल की गाय। आइए मज़ीद आगे देखते हैं इनका क्या कुछ सिस्टम है, इन्होंने कैसा सिस्टम लगाया हुआ है, खुराक का क्या सिस्टम है। दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, ये जो सामने गाय है ये इन्होंने ख़रीदी है, सबसे कम रेट में ये गाय ख़रीदी है, 1,40,000 की इन्होंने ख़रीदी है। और देखें ये चरा वगैरह खा रही हैं। ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गाय है और माशाल्लाह ये देखें, और दोस्तों ये देखें ये छोटी बच्ची है माशाल्लाह, बहुत अच्छी नस्ल की और बहुत ही प्यारी। और दोस्तों ये देखें आप, सोलर लगाया हुआ है ये भाइयों ने, ये माल मवेशी का चरा इधर बीजा हुआ है। ये देखें ये सब्जा खा रही हैं और अंदर चल के आपको अंदर का माहौल दिखाते हैं। ये दोस्तों देखें ये बड़ी गाय बहुत खूबसूरत, और दोस्तों चलते हैं अंदर का आपको नज़ारा कराते हैं। ये दोस्तों देखें ये दो बच्चियां खड़ी हैं और देखें दोस्तों माशाल्लाह, इन्होंने शावर भी लगाए हुए हैं ऊपर, ये जो लाइन है इसके साथ शावर का सिस्टम है। और आगे दोस्तों देखें बहुत प्यारा शेड बनाया हुआ है भाइयों ने, और ये इधर खुराक डालते हैं जो गाय, कोई बारिशों वगैरह में इस तरह का मौसम हो या ठंडा मौसम हो इसमें खुराक फिर ये खाती हैं इधर। और आप देखें ये बहुत अच्छा निज़ाम है इधर, बिल्कुल खालस दूध भाई बेचते हैं। ये दोस्तों ये भाई से जो मुलाकात की, ये तो भाई मजदूर है यहाँ पे, ये तो मलक साहब का डेरा है, अला कला यार साहब मरहूम का डेरा है। और आगे आपको दिखाते हैं, ये देखें इधर तक चार दीवारी है, इसके अंदर गाय रहती हैं और ये मलक साहब की ज़मीनें हैं परली साइड पे। और दोस्तों ये देखें इन्होंने इधर लगाया हुआ चारा वगैरह काटने का सिस्टम है, इधर मशीन लगाई हुई है। ये दोस्तों अभी हम वापस आ रहे हैं, देखें रास्ते में ये ट्राली खड़ी है, ये पीछे भी इसके एक और ट्राली खड़ी है। हम अभी रोड पे आ गए हैं, देखें बहुत लोड ट्रालियाँ खड़ी हैं। और आगे आपको दिखाते हैं, ये देखें यहाँ पे लोगों ने गंदम बीजी हुई है, शाह मोहम्मद वाली का इलाका है दोस्तों, ये पानी लगाते हैं यहाँ पे गंदम को लोग। और दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।